क्या धरती की सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सभ्यता के लोग संस्कृत बोलते थे? क्योंकि यही बात जर्नलिस्ट एंड्रयू रॉबिन्सन ने अपनी किताब लॉस्ट लैंग्वेज में लिखी है। करीब 1926 और 28 के बीच एएसआई के लिए काम कर रहे रखल दास बनर्जी ने एक बुद्धिस्ट स्तूपा को देखा और उन्हें लगा कि इसके नीचे जरूर कुछ होगा, तो उन्होंने अपनी टीम से उसकी खुदाई करवाई और उन्हें एक ऐसा शहर मिला जो आज इतिहास में दर्ज है, जिसका नाम है मोहनजोदारो। पर वहां पे मिले ईंटों के घर, बर्तन और स्टैम्प्स पे लिखी लैंग्वेज को साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे। और फाइनली एक कंप्यूटर साइंटिस्ट राजेश राव ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में अपनी टीम की मदद से एक एआई प्रोग्राम को क्रिएट किया, जिससे ये पता लगाया कि हो सकता है इस लैंग्वेज का कनेक्शन द्रविडियन लैंग्वेज से हो, पर वो भी पूरी तरह श्योर नहीं थे। लेकिन मोहनजोदारो की इसी खुदाई में एक ऐसी सील मिली जो भारतीय सभ्यता को धरती की सबसे पुरानी सभ्यता साबित कर सकती है, वो थी ये सील। इस सील पर एक व्यक्ति बहुत ही एडवांस योगिक पोस्चर में मेडिटेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि है मूल बंदासन। इसके चारों तरफ जंगली जानवर दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जानवरों के भगवान है या राजा है। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो ऐसे एक ही है, वो है भगवान शिव। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कहा है जोनाथन किनोर ने, जिन्होंने इस सील का नाम दिया है पशुपति सील, लॉर्ड ऑफ एनिमल। तो क्या ये 5000 साल पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता से मेल खाती है? नीचे कमेंट में अपनी राय।